Hello friends, welcome to my YouTube channel Tradonomics by Hertz. So a lot of volatile market, kidhar ja raha hai market, niche khula upar gaya niche aaya upar niche, kya chal raha hai volatility pura 16300 ke beech pura volatility hai, to kaha jayega kya aur niche jayega ya bottom mein raha hai kya ho raha hai. So I'm going to discuss about Nifty, Bank Nifty, thoda sector bhi ek haath do discuss karunga और ग्लोबल मार्केट भी डिस्कस करूंगा और ओवरऑल आउटलुक बताऊंगा. और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मार्केट बॉटम कहां पे हो सकता है. यस, स्टॉक मार्केट का बॉटम कहां पे हो सकता है. सो वॉच द लैंड, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो. इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो सबके साथ, लाइक करो और फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स. लाइव मार्केट में मैं बहुत सारे चार्ट्स डालता हूँ और ट्रेड्स भी डालता हूँ. सो यू कैन फॉलो मी, दिस इज माय हैंडल. फ्री में एलियट वेव सीखना है, मैं बुक दे रहा हूँ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में और वेबसाइट पे भी है, हमारे कोर्स भी है फ्री एलियट वेव का ये. और अगर ट्रेड सीखना है, वी आर जस्ट गिविंग एट 1200 1199. दो कोर्सेस है एलियट वेव प्राइस एक्शन कैसे ट्रेड करना है, यू कैन डू इट. यस, एक गाइडेंस मिलेगा आपको, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सो ग्रैब दिस ऑफर, क्योंकि ये ऑफर तो एंड होगा मैं एंड में. सो लेट्स डिस्कस के मार्केट क्या लग क्या लगता है, बाजार क्या लगता है. सो वेव काउंट वाइज निफ्टी, वही मैं वेव काउंट ले रहा हूँ. डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड कलेक्शन चालू है फ्रॉम अक्टूबर 2021 से 18,600 से. एंड वी आर इन लास्ट वेव, जेड वेव है, लास्ट पैनिक सेल ऑफ मुझे लग रहा है, पैनिक सेल ऑफ आएगा मार्केट में जेड वेव में, विच कैन गो कहाँ तक जा सकता है आइडियली कोई नहीं बता सकता. 15,500 तक का एक एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. यस, इट कैन गो टू 15,000 ऑल्सो, पता नहीं यार अपने को. पैनिक जब आता है तो कहाँ तक जाएगा वो नहीं बता सकेंगे. हाँ, लेकिन एक बात पक्का है, जब खत्म हो जाएगा ना, जब खत्म हो जाएगा ना, तब पता चलेगा लास्ट में एक जब आएगा. लेकिन एक बात है कि सेल ऑफ आएगा, अच्छा खासा सेल ऑफ आएगा, सबको बाहर निकालेगा जो दो साल में मार्केट में बैठे है, नए लोग जो आए, जिन लोग के पास कोई बहुत टाइम था और पैसा भी था, जॉब था नहीं, घर पे बैठे थे तो घर से काम करते थे, तो आगे मार्केट में तो जिन्होंने ये बबुल रन में इजी मनी जो कमाया है, उन सबको, उनमें से 80-90% लोगों को बाहर निकलवाया लगा. ऑलरेडी 40-50% तो बाहर हो गए होंगे और जो नहीं है हुए वो भी बाहर हो जाएंगे. एक सेल ऑफ आएगा, सबको बाहर निकालेगा, क्योंकि मार्केट कभी इजी नहीं रहता, मार्केट में इजी मनी रहता नहीं है. वो एक सेल ऑफ में शायद सबको बिकवाएगा, सबको बाहर निकालेगा और फिर उसके बाद शायद तेजी हो सकती है. तो कहाँ पे बॉटम बनेगा आई डोंट नो. 15,500 15,000 क्या पता कहाँ पे आएगा, बट एक सेल ऑफ लग रहा है, सेल ऑफ दिख रहा है. ओके, हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाइज पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि कहाँ लग रहा है मार्केट. तो देखो, बाजार तो ठुकना ही है, नीचे ही है अभी. अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो लास्ट दो दिन से 16,400 को मार्केट ट्राई किया, मार्केट 16,400 जाने का थ्री टाइम्स मार्केट सोल्ड ऑफ. और आज फाइनली ये देखो, ये ट्रेंड लाइन के नीचे ये जो कंसोलिडेशन बना है, या फिर बोलते डिस्ट्रीब्यूशन अभी इसको बोलेंगे, इसके नीचे क्लोज आके हो गया, इसके नीचे ब्रेकडाउन आके क्लोज आया है ऑलरेडी. और ये मैंने लाइव मार्केट में चार्ट डाला था बस, कि भाई ये ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो मार्केट में सेल ऑफ आएगा. अभी देखते कल कहाँ तक जाएगा. आई एम एक्सपेक्टिंग 15,900-800 तक एक बार जाना चाहिए टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ट्रेंड. वैसे तो अभी एंड देखेंगे तो 15,770 दिख रहा है, बट पता नहीं कहाँ तक जाएगा. लेट्स सी, एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से
कंजर्वेटिव टारगेट में रखूंगा 5900-800 के बीच में, ज्यादा नहीं, हम लोग को कम मिला पैसा फिर भी चलेगा, आई विल होल्ड आई विल ट्रेल, बट हाँ फिर अगर एक्सटेंशन आता है, इसमें एक्सटेंशन आता है वो अलग बात है. तो आई एम स्टिल टेकिंग दिस एज ए बी एंड सी जेड वेव में फ्रॉम द हाई ऑफ 18,100 और दिस इज ए बी और सी वेव में शायद अभी चालू है. क्या इसमें एक्सटेंशन आएगा, क्या होगा वो आई डोंट नो. शायद एक्सटेंशन आ भी सकता है, पैनिक सेल ऑफ आ सकता है. तो पता नहीं कि 1500-1500 को खत्म होगा कि और ज्यादा नीचे जाएगा. अभी के लिए 1500 तक का मैक्स टू मैक्स रख देते हैं, 1500-1600 तक का. और ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से एक बार 1500-1800 में देखेंगे कि सपोर्ट मिल रहा है क्या. कल वहां पे एक बार स्क्वायर करने की सोचूंगा, बट ऑब्वियसली ऊपर तो कोई भी लग नहीं रहा, कोई भी एंगल से मार्केट ऊपर लग ही नहीं रहा है, ही नहीं मार्केट ऊपर. तीन बार 16,400 को अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है और फिर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है तो आइडियली मार्केट नीचे जाना चाहिए. आइडियली, आइडियल सिनेरियो, कुछ अलग होता है मैं गलत जाता हूँ, दैट इज अनदर थिंग, बट आइडियल सिनेरियो में मार्केट नीचे जाना चाहिए. सो टुमारो मैं तो ऑप्शन बायर हूँ, तो अगर 16,290 के ऊपर जाता है तो मैं एग्जिट मार दूंगा भाई. मेरे को एक बार स्टॉप लॉस लेके बाद में एंट्री वापस ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इज स्टॉप लॉस. सो आई एम एक्सपेक्टिंग 15900 से 15800 में भी, एकदम कंजर्वेटिव बोल तो कम से कम 16,000 को दिखना चाहिए कल. क्या मतलब सीधा 16,000 पे ही होल्ड है, दैट आई डोंट नो. बैंक निफ्टी वी कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी में कम वीकनेस है. तो कल एक बात मैंने डिस्कस की थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जब डाइवर्जेंस दिखेगा शायद वो दिन होगा कि मार्केट बॉटम बनाएगा. सो आई एम टेकिंग दिस एज ए बी एंड सी और ओवरऑल ए बी सी डी या डब्ल्यू एक्स वाई जेड बोलते हैं. तो सी वेव चालू है और उसमें मे बी दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 चालू है, दिस इज 1, फिर 2, फिर एक्सटेंडेड थर्ड यहाँ पे आ गया, फोर्थ हो गया और फिफ्थ नीचे आ रहा है शायद. सो लेकिन कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी में ज्यादा सेलिंग है नहीं, क्योंकि नई ब्रेकडाउन हुआ ये लेवल के नीचे अभी तक भी. सो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी ज्यादा वीक नहीं है. सो अगर ये लेवल ब्रेक होता है ये ट्रेंड लाइन तो फिर नीचे में मे बी 33,300 या फिर मे बी 33,000 तक आ सकता है मार्केट, पॉसिबल है बैंक निफ्टी में. और ओवरऑल और एबीसीडी जो हम लोग गिन रहे हैं ओके शो द डेली चार्ट. सो प्रिसाइजली दिस इज ए बी सी डी ई या फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड बोल सकते शायद बैंक निफ्टी में ऐसे हो सकता है. कल मैंने एक बार डिस्कस की थी कि डाइवर्जेंस रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो एक साइन रहेगा बॉटमिंग आउट का. बॉटमिंग आउट का एक साइन रहेगा कि जब समझो निफ्टी नया लो बना लेता है, निफ्टी वेल कीप द डेली चार्ट. सो शायद निफ्टी 1500 के नीचे जाएगा, नया लो बनाएगा और कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी में शायद ये मार्च का जो लो है वो नहीं तोड़ेगा शायद, आई डोंट नो. ये होगा ऐसे ही होगा ऐसे बोल नहीं रहा हूं, लेकिन बॉटम के लिए, बॉटम फॉर्मेशन के लिए आइडियल सिनेरियो यही रहता है कि इंडेक्सेस में डाइवर्जेंस होता है. तो शायद मार्च का लो नहीं तोड़ेगा बैंक निफ्टी के, कंपैरेटिवली वीक नहीं है और निफ्टी तोड़ देगा और नीचे जाएगा, दैट इज द पॉसिबिलिटी. और फिर मार्केट रिवर्स कर सकता है, कौन सा लेवल वो अभी मैं नहीं बता सकता. 1500 है, 1500-1300 है, 15,000 है, आई डोंट नो. बट शायद एक बार बॉटम बन सकता है, लेकिन पैनिक सेल ऑफ है. मैं सेल ही बोल रहा हूँ, मैं बाय नहीं बोल रहा. मेरा खुद का सेल है और शॉर्ट टर्म में मैं सेल ही करूंगा जब तक डाउन ट्रेंड है. तो बैंक निफ्टी भी ओके, थोड़े बाकी के सेक्टर देख लेते हैं हम लोग. तो आज देखो, आज मेटल में तो मार्केट नीचे आ गया. मेटल स्टॉक में मैंने ऑलरेडी बोला था कि मेटल स्टॉक वीक है, नीचे आ सकते हैं. सो
आज मेटल्स में गिरावट आ गई। सो ब्रॉड मार्केट इज वीक, अगर ब्रॉड मार्केट में कत्लेआम हो रहा है तो मार्केट में तेजी कहां से आएगी? पब्लिक बॉटम पिकिंग तो कर रही है मार्केट में, यार क्यों बॉटम पिकिंग करना है? ब्रॉड मार्केट में कत्लेआम हो रहा है, देखो स्मॉल कैप इंडेक्स, देखो स्मॉल कैप इंडेक्स अगेन आज बजट और स्मॉल कैप इंडेक्स में ये लेवल टूट गया जो मार्च का लो था, तो ऑब्वियसली इट्स वीक और शायद यहां तक आ सकता है 8500 जो भी है। हम लोग निफ्टी की वापस बाद में बात करने वाले हैं कि बॉटम कहाँ पे बन सकता है, थोड़ा फिबोनाची ट्रेंड फिबोनाची वाइज हम लोग देखेंगे टाइम सीरीज फिबोनाची कैलकुलेट करके कि कहाँ पे बॉटम बन सकता है, लेकिन एंड में बात करेंगे निफ्टी पे। फिलहाल बाकी सेक्टर देखें तो मिड कैप में पॉसिबल है कि सॉरी दिस इज स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप इज बजट, पॉसिबल है यहाँ तक आ जाए। लो तो टूट गया मार्च का, तो बी केयरफुल। पता नहीं, मैं बहुत कंजर्वेटिव बेयर हूँ, मैं अग्रेसिव बेयर नहीं हूँ, अगर क्योंकि ये आइडियली टूट जाता है, अगर ये हो रहा है तो बहुत बेरिश सिनेरियो होता है वो स्मॉल कैप के लिए, लेकिन मैं इतना कंजर्वेटिव अग्रेसिव नहीं हूँ बेयर, लेकिन भाई केयरफुल, बी केयरफुल इन स्मॉल कैप सेक्टर। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, मैं जब 17,500 टूटा, जब यहाँ पे टूटा 10,000 टूटा था स्मॉल कैप में, तभी मैंने क्लियरली बोला था बॉस अब खत्म, तेजी खत्म, बी केयरफुल, बेचो। मैं तो मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक बेच दिए, आज भी थोड़े बेचे मैंने पोर्टफोलियो के स्टॉक, और शायद पता नहीं बेचूंगा नहीं बेचूंगा। मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ तो मैं रखता नहीं, अगर मुझे लग रहा है कि वो 15-20% और गिर सकते हैं मेरे स्टॉक तो मैं बेच देता हूँ, क्योंकि तो डाइवर्जेंस की बात हम लोग कर रहे थे तो आज वापस बात करते हैं डाइवर्जेंस की, कल की थी ऑलरेडी हमने, लेकिन आज जो नए सुन रहे हैं उनके लिए वापस मैं बोलता हूँ डाइवर्जेंस क्या है। मिड कैप इंडेक्स, ओके, तो यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स मैंने ऐड करवा दिया और ये वाला, और इसको कैंडल स्टिक लेते हैं चार, ओके। सो ये देखो दिस इज मिड कैप और ये स्मॉल कैप है, तो डाइवर्जेंस कब होता है? जब अभी स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो मार्च का लो तोड़ दिया, मिड कैप इंडेक्स ने मार्च का लो अभी तक तोड़ा नहीं है, यू कैन सी दैट द मार्च लो इज स्टिल इंटैक्ट इन मिड कैप इंडेक्स, और मोटा मोटी ये ट्रेंड लाइन भी इंटैक्ट है, तो शायद वो इंटैक्ट रहेगा मिड कैप इंडेक्स में, ये लेवल मार्च का लो है और स्मॉल कैप में ऑलरेडी तोड़ दिया है, ऑलरेडी तोड़ दिया है, तो डाइवर्जेंस एक चीज ये देखो मार्केट रिवर्सल कब देता है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस था, देखो यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स में एक्चुअली थोड़ा स्ट्रॉन्ग तेजी था, नया हाई बनाया था, यस एज कम्पेयर टू दिस अक्टूबर 2021 के हाई कंपेयर करके यहाँ पे नया हाई था, और मिड कैप इंडेक्स में यहाँ पे लोअर हाई, और फिर मार्केट यहाँ से घूम गया ये दिन से इन जैन 18 को जनवरी को मार्केट घूम गया जब मिड कैप और स्मॉल कैप में डाइवर्जेंस था, स्मॉल कैप इंडेक्स न्यू हाई बनाया, मिड कैप इंडेक्स में लोअर हाई बना, सो वैसे यहाँ पे हो सकता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में न्यू लो बना दे और फिर रिवर्स मार दे, और मिड कैप में शायद यहां से घूम गए, शायद, मैं बोल नहीं रहा ये होगा ऐसे होगा, ऐसे होता है, अगर ऐसे होता है तो हम लोग सब पकड़ लेंगे कि हाँ भाई बॉटम बन गया। देखो यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ था डाइवर्जेंस देखे तो फिर कितना बड़ा मूव आ गया, देखो मार्केट पैसा नीचे आ गया, देखो तो पॉसिबल है यहाँ पे भी डाइवर्जेंस देखे मार्केट घूम सकता है, मैं बोल नहीं रहा घूमेगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर मार्केट का बॉटम हो जाए, तो उस पर ध्यान रखो, ध्यान रखो ये चीज पे। सेम निफ्टी बैंक निफ्टी में हो सकता है, सेम चीज में बोल रहा हूँ, निफ्टी में न्यू लो आएगा और बैंक निफ्टी में नहीं आएगा, तो उसको हम लोग पकड़ लेंगे कि बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, क्या ऐसा होगा आई डोंट नो, अगर होता है तो ऑब्वियसली बॉटम बन जाएगा।
तो ओवरऑल ब्रॉड मार्केट इज वीक, सेक्टर स्पेसिफिक पीएसयू बैंक एक अच्छा सेक्टर था, वो भी उसमें भी नीचे आ रहा है, रियलिटी में नीचे आ रहा है, सब सेक्टर वीक है बॉस। तो क्यों तेजी करने आपको शॉर्ट टर्म में, मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म में तेजी है नहीं भाई मार्केट में। तो पीएसयू बैंक एक बार मेरे को लग रहा है यहाँ पे आएगा, इंडेक्स यहाँ पे आएगा तो देख लेंगे तेजी करनी है क्या। बट ओवरऑल वीक है और नीचे जा सकता है। तो निफ्टी में एक पैनिक सेल ऑफ आएगा, डेफिनेटली आएगा पैनिक सेल ऑफ, सबको बाहर निकालना है जो 2020-21 में आ गए हैं नए लोग, उनको बाहर निकाले बिना तेजी नहीं होगी, बड़ी वाली तेजी नहीं होगी, बॉटम नहीं बनेगा। और अभी भी लोग बॉटम पिकिंग ढूंढ रहे, तो क्या पता कल 400 पॉइंट निफ्टी नीचे कर दे, पता नहीं अपने को, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई 400 पॉइंट नीचे कल, क्योंकि सब लोग लॉन्ग जा रहे हैं, सब लोग बॉटम पिकिंग कर रहे हैं। तो अगर 2 दिन का कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे जाता है 16140 के, पॉसिबल है कल ही 300-400 पॉइंट ऐसे ही तोड़ देगा, दैट्स क्वाइट लाइकली। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिबोनाची वाइज कहाँ पे बॉटम हो सकता है मार्केट का। तो एक तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वीकली चार्ट लगा देते, तो ये रहा वीकली चार्ट अपना निफ्टी का। और वीकली चार्ट में अगर ऐसे मैं देखूं तो मैं अच्छा खासा थोड़ा पर थोड़ा बहुत आ गया है नीचे। RSI पे मैं बोल रहा हूँ। तो फिबोनाची टाइम कैलकुलेशन, तो लोग टाइम नहीं देखते, टाइम कोई देखता नहीं। तो ये अराउंड 20 मंथ्स का रैली था और अभी 6 ही महीना हो गया। 6 महीना इज ओके, नॉट शॉर्ट पीरियड बट बहुत लंबा भी नहीं है, लेकिन फिबोनाची वाइज क्या है वो देखते हैं। तो फिबोनाची टाइम सीरीज अगर हम लोग ले लेंगे, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची टाइम, आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो इसमें बहुत सारे आपको टूल्स मिलेंगे। आई पर्सनली यूज हो रहा है, ये फ्री वर्जन है, बस फ्री वर्जन में इतना मिलता है, तो पेड तो लेने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ। सो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची टाइम, तो ओवरऑल रैली यहाँ से आया था, यहाँ से यहाँ तक रैली था। तो इस रैली का फिबोनाची रिट्रेसमेंट टाइम वाइज कि कितना मंथ फिबोनाची अगर हम लोग लेंगे रिट्रेसमेंट करेक्शन का, तो मैंने ऑलरेडी बात की थी कि मई में बॉटम हो सकता है 38% फिबोनाची टाइम रेशियो के हिसाब से, प्रोबेबली मई में बॉटम हो सकता है। ऐसे में हमने शायद फेब या मार्च में डिस्कशन किया था कि कहाँ पे बॉटम बन सकता है, तो मई में हो सकता है, पॉसिबल है बॉटम। तो अब अभी हम लोग आ गए वो, तो 23 मई के आसपास आ रहा है ये। और बहुत सारे और इंटरेस्टिंग फिबोनाची रेशियोज में बताऊंगा आपको। तो 2021 से 23 मई तक का एक पीरियड डेट मार्क कर लो, क्या वहां पे बॉटम हो सकता है ये डेट नोट कर लो, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो 21 मई से 24 मई के जो भी वीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट वीक पता नहीं, वो वीक में शायद हो सकता है बॉटम। अभी डेली चार्ट पे आते हैं, तो WXYZ अभी हम लोग आन लेते हैं कि ये सही वेव कौन है। तो अगर मैं WXYZ ले रहा हूं, तो जितना टाइम W वेव ने लिया था उसका कंपैरिजन में Y वेव में कितना टाइम लिए, तो अराउंड 76%। ओके, अभी मैं 38% का निकाल देता, ओके, सो अराउंड 76%। ये देखो, ये जो ब्लू लाइन है, तो ये जो W वेव का टाइम था उसके कंपैरिजन में Y वेव में 76% टाइम कंज्यूम किया है Y वेव। तो अगर हम लोग वही मान लेते हैं कि शायद Z वेव भी 76% टाइम कंज्यूम करेगा एज कंपेयर टू X वेव, हाँ सॉरी एज कंपेयर टू Y वेव, क्योंकि हर एक वेव का रिलेशन होता है। तो W और Y का एक रिलेशन होता है और Y और X का एक रिलेशन होता है फिबोनाची वाइज
टाइम वाइज होता है, प्राइस वाइज भी होता है। तो अभी टाइम की देख के हम लोग प्राइस की बाद में देखेंगे, प्राइस की आज नहीं देखेंगे, शायद किसी और दिन देख ले। तो टाइम वाइज W और Y में क्या रिलेशन, को रिलेशन था, रिलेशन क्या था कि Y वेव ने टाइम वाइज W वेव का 78% 76% टाइम कंज्यूम किया था। तो अभी Z वेव कितना टाइम कंज्यूम कर सकता है तो देख लेते हैं। तो अगर 76% हम लोग मान लेते हैं, 76% टाइम कंजम्पशन मान लेते हैं हम लोग कि Z वेव भी 76% टाइम ले लेगा, तो वो आ रहा है अराउंड 16th में, अराउंड मई 13th को आ रहा है। यस टाइम वाइज ओके फ्रॉम दिस डेट टू दिस। और फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग ये लिन से, तो अराउंड 76% का 16 मई को आ रहा है, तो मीन्स आस पास है। और 100% अगर हम लोग बोलते हैं कि 100% टाइम कंज्यूम करेगा तो वो आ रहा है 27 में। सो अराउंड 20 से 25 मई के बीच में, या फिर 16 से 25 मई के बीच में आप पकड़ लो ना यार, तो 21 में पकड़ लो, 20-21 में। डेट देख लेता हूँ मैं कैलेंडर में, तो या तो 20 में या तो 23 में, या तो फ्राइडे 20th मई का, या तो मंडे 23rd में। यूजुअली यही दिन पे होता है, बॉटम फ्राइडे को बहुत पॉसिबिलिटी रहती है बॉटम बनाने की, या फिर मंडे को। तो 20 या 23 मई का डेट आप मार्क कर लो बॉटम, शायद शायद मैं बोल नहीं रहा हूँ वहां पे बनेगा, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, शायद वहां पे बन सकता है, पॉसिबिलिटी है 20 या 23 में, 20th और मई और 23rd में वी माइट बॉटम, ऐसे फिबोनाची पॉइंट आउट कर रहे हैं। प्राइस क्या पॉइंट आउट करेगा उस वक्त वो हम लोग रोज रोज देखने वाले, हम लोग को रोज देखते हैं कि का क्या लग रहा है, अब क्या लग रहा है, तो वो अपडेट तो रोज आएगा। तो 20th से 23rd में मार्क कर लो, दो डेट ये मार्क कर लो, वहां पे बॉटम बन सकता है शायद, और प्राइस वाइज 15500 या फिर 15000 तक का पकड़ लो इसके बीच में। वो तो हम लोग रोज डिस्कस करने वाले हैं कि कहा क्या लग रहा है, आज क्या लग रहा है, कितना नीचे जाएगा, कितना ऊपर जा सकता है। सो दैट्स इट, ये वीडियो सबको शेयर करना बस, क्योंकि वापस मैंने फिबोनाची वाली, ये कोई देखता नहीं, टाइम कोई नहीं देखता, मुझे पता है बहुत कम लोगों को फिबोनाची टाइम सीरीज पता रहेगी, लेकिन मैं देखता हूँ टाइम, बिकॉज आई फॉलो इलियट वेव, इलियट वेव में होता है और एक वेव का रिलेशनशिप टाइम वाइज प्राइस वाइज सब होता है। मैं अभी प्राइस वाइज आज नहीं करूंगा, ऑलरेडी बहुत टाइम बकबक कर ली मैंने। तो दैट्स इट फ्रॉम टूडेज अपडेट, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। अर्निंग का तो पता नहीं भाई, अगर आप तेजी कर रहे हो तो कहाँ से अर्निंग कर रहे हो भाई, मंदी कर रहे हो तो यस ऐसा मिलेगा, लेकिन तेजी में हो तो भाई आपको सलाम, मैं आपको राम राम। बॉटम पिकिंग कर रहे हो, गुड लक, देखो कहाँ पे बॉटम बनता है। सो दैट्स इट, कीप लविंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप अर्निंग, एंड this is how you signing off until we meet again.